आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। सारठ के पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने पत्रकारों से वार्ता कर मधुपुर डालमिया कूप में बन रहे आरओबी को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की मकान व दुकान आरओबी के नाम पर तोड़ा जाएगा, उन रैयतों को विभाग द्वारा मनमानी दर से भुगतान करने की बात की जा रही है और साथ ही विभाग द्वारा अलग अलग दर तय की गई है, जबकि ये सरासर गलत है। उन्होंने वर्तमान सरकार से मांग की है कि इस पर विचार करते हुए रैयतों की बातों को सुनी जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि मैं रैयतों के हक के लिए उनके साथ हूँ। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। मैं तो फिलहाल नहीं कहूंगा कि आरओबी के नाम पर जो भी अभी तक क्रियाकलाप चल रहे हैं और जो निर्धारण करके जिस प्रारूप को दिखा के लोग अलग अलग ढंग से अलग अलग गली में अलग अलग रेट दिखाते हुए लोगों को सूचनाएं दी जा रही हैं, नोटिस दिया जा रहा है, लोगों से कागजात मांगे जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि 50 फीट 60 फीट के अंतराल में ही दर का, जिसको रेट कहा जा सकता है, रेट का उतार चढ़ाव डबल और ट्रिपल और फोरपल कहिए से ज़्यादा का अंतर हो रहा है। तो ये बात तो खुद समझावे निर्धारित करने वाले ही कि कैसे और किसने इसे निर्धारित किया कि 50 फीट पे ये रेट है, अगला 50 फीट पे वो रेट है और रेट भी ऐसा है कि जिसको सुनने से हास्यास्पद लगता है, बहुत ही हास्यास्पद। तो इसमें मैं क्या कहूँ, मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान प्रशासन, वर्तमान सरकार इसको इग्नोर नहीं करे और इसको खुद से अपने नज़रिए में लेते हुए और जहाँ तक हो इसको सही रूप से निर्धारण करके और तभी इसका बंटवारा हो, तभी इसका प्रकाशन हो। सर, मसला है कि आप सरकार बतौर ले रहे हैं व्यापारी रेट और अभी जब सरकार को देनी है तो कह रहे हैं कि ये अपना निजी आवास है। तो मेरा यदि निजी आवास है तो जितने दिनों से मेरा सरकारी क्या बोला जाता है उसको, सरकारी क्या, सरकार एक प्राइवेट रेट, एक कमर्शियल रेट, तो हमसे जितने दिनों का कमर्शियल रेट लिया गया है वो हमको वापस कर दे या अभी जो ले रहा है वो हमको कमर्शियल रेट ही दे या आज तक जितने दिनों से मेरा कमर्शियल ले रहा है वो हमको वापस कर दे। ठीक है, मैं प्राइवेट में घर में हूँ तो फिर मुझसे कमर्शियल क्यों ले रहा। तो ये बिल्कुल कहिए कि वो एक सड़क बनना था जिसपे कि बड़ी गाड़ियाँ भी आती जाती, अब तो हम लोग जिस समय की बात कर रहे हो आप जनाब, उस समय तक 10 चक्के आए थे, 10 चक्के तक का था वो, चल सकता था। लेकिन अभी जो है वो यही बन रहा है कि जिस तरह हम लोग देखते हैं ना वाले पानी से निकले, पानी से फिर आए हवा में, फिर चले गए पानी में, तो ये डिज्नी लैंड वाली सड़क, वाली सड़क कहिए या हाईवे कहिए या ओवरब्रिज कहिए, डिज्नी लैंड ओवरब्रिज इसका नाम दिया गया है, चूँकि इस पर कोई भी बड़ी गाड़ी, कोई भी लंबी गाड़ी कभी नहीं चढ़ पाएगी, न चढ़ने जैसी कोई दशा या दिशा रहेगी। सर, आप रैयत हूँ? बिल्कुल हूँ मैं, चूँकि मैं भी एक रैयत हूँ, मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी इस धरती का हूँ, मैं कोई बाहर से आया हुआ हवाई जहाज से उतरा हुआ नेता नहीं हूँ, मैं मुखिया से हवाई जहाज पर।